मैं सुनील कौशिक जी से समझता हूं कि भाई बटोगे तो कटोगे, काटेगा कौन, किससे डराया जा रहा है, कौन काट डालेगा? कालरा साहब, बांग्लादेश में जिस राजनीतिक दल को 300 में से 224 सीटें मिली उस देश के प्रधानमंत्री को भागना पड़ा। ढाका जैसे शहर की 2,40,00,000 आबादी हो, उस शहर को 4,00,000 लोगों ने बंधक बना लिया, इसमें कहने की आवश्यकता है क्या? नहीं, भारत में कौन काटेगा? मैं वही आ रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं राजनीतिक कारणों से जो उनका उपयोग करते आए हैं, और बड़ा धरातल की बात मैं आपसे कालरा साहब कह रहा हूं, कुछ क्षेत्र ऐसे थे जब हम लोग पत्रकार थे को उस क्षेत्र में जाने से ब्यूरोक्रेसी के अफसर डरते थे। बिजली चोरी हो रही है तो जा नहीं सकते, दवाइयां ड्रग्स बिक रहा है तो वहां फोर्स जा नहीं सकता था, और कोई अपराधी अपराध करके उन बस्तियों में घुस गया तो हिम्मत नहीं होती थी कि वहां जाकर के उनको पकड़ के ले आए। दंगे हो जाए तो दंगे हो जाने के बाद या तो वहां जा रहे हैं तो पहले एक स्थान पर पूरा फोर्स इकट्ठा करना पड़ता था, और जब इकट्ठा फोर्स हो गया तब आप उधर जाकर के कूच करते थे। ये मैं अपने आंखों से देखे हुए सैकड़ों एग्जाम्पल इस तरीके के हैं, और उसमें ये नहीं कि सारे लोग खराब थे, उसमें 90% 95% बहुत अच्छे लोग थे उन आबादियों में, उन मोहल्लों में 5% लोगों ने ऐसा माहौल क्रिएट कर रखा था गुंडई के नाम पर कि निश्चित तौर से आप पूरे समुदाय को गालियां देने लगे, पूरे समुदाय को उस तरीके से देखते रहे। राजनीतिक कार्य से आप देखिए ना, कांग्रेस की सरकार के रहते हुए एक आयोग बनाया और आयोग ने एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी, उसमें सारी चीज़ें खुली हुई हैं कि राजनीतिक दोहन राजनीतिक दलों ने कैसा किया, चाहे आप शैक्षिक स्तर पर आप ले जाइए, चाहे आप व्यवसायिक स्तर पर आप ले जाइए, चाहे अन्य स्तरों पर आप ले जाइए, वो एक समुदाय को इतना पिछड़ा घोषित कर दिया कि वो होने लगे कि उनके इशारे पर काम करने लगे। और मैं बड़ा दावे के साथ कह रहा हूँ, जब दंगे इस प्रदेश में होते थे तो कैसे दंगे होते थे, कैसे भड़काया जाता था, जो बहुत पास रह करके मैंने ये सब देखा है। मुजफ्फरनगर के दंगे की मैं अब पुरानी बात करूँगा, 90 के बाद की करूँगा तो हो सकता है लोग न समझ पाए। मुजफ्फरनगर दंगे हुए, मुजफ्फरनगर दंगे में जिस क्षेत्र में हुए, क्या सारा मुसलमान खराब था वहाँ पे? नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोगों ने वो कृत्य वहाँ किया कि पूरा प्रदेश उसमें जल गया। आप दे लीजिए 2002 के गुजरात दंगे, आप ले लीजिए 2002 के दंगों की आप बात करेंगे गुजरात की, तो सारे लोग खराब नहीं थे, या 10 सिर फिरे लोगों ने जाकर के ट्रेन को जला दिया, कार सेवकों को जला दिया, उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ा? या तो कुछ मुट्ठी भर लोग दोनों तरफ से यदि इस तरीके के हों, जहाँ कभी भी आग लगाते हैं, कभी भी भड़काते हैं और लोग भड़कने में आ जाएं तो क्या होगा? तो इसी के लिए तो सरकार है। नहीं, सरकार किसके लिए? सरकार इसी के लिए तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखे। सरकार मैं कह रहा हूं, और आप जिन इलाकों की बात कर रहे हैं, क्या उन इलाकों में कार्रवाई इसलिए नहीं होती थी कि वहां कोई धर्म विशेष के लोग रहते हैं या फिर राजनीतिक इच्छा शक्ति? धर्म विशेष के लोग, धर्म विशेष के आड़ में हुआ क्या? अब तो नहीं होता ऐसा। नहीं, अब नहीं होता तो फिर डराने की जरूरत? नहीं, डराने की इसलिए जरूरत है उस समय। ये तो ये नहीं है उन्होंने कहा हिंदू इकट्ठे हो जाओ। यदि आप इकट्ठे होकर के रहेंगे, निश्चित तौर से जो उन्होंने कहा एक संरक्षक, अगर सारे ही इकट्ठे होकर रहेंगे फिर तो कोई काटने वाला है ही नहीं, तो संरक्षक होने के नाते यदि योगी जी ने ये कहा है कि बटोगे तो कटोगे। बीजेपी के नेता तो ऐसा नहीं कह रहे, वो तो कह रहे हमारा तो मैसेज उन लोगों के लिए था, तो कह रहे 15 मिनट के लिए पुलिस हटाइए। बीजेपी क्या कह रही है, बीजेपी क्या सोच रही है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। और योगी जी ने किस उद्देश्य, ले लीजिए मेरा जी जी सवाल ये है कि जिस तरीके से आपने व्याख्या करी, माननीय योगी जी ने बोला हिंदुओं के लिए बोला, पहली चीज तो ये है कि जिस पद पर मुख्यमंत्री के पद पर आसीन है हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उस पद पर बैठने से पहले उनको संविधान की शपथ लेनी पड़ी है, और संविधान हमारा बहुत मजबूती के साथ धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। दूसरी चीज, आपने बांटने की बात कही, आपने अल्पसंख्यक आयोग बनाया हुआ है, आपने पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया हुआ, आपने दलित आयोग बनाया हुआ है, आपने सवर्ण आयोग क्यों नहीं बनाया? मैं कहता हूं सारे आयोग खत्म कर दीजिए, हिंदू आयोग बना दीजिए और गरीबों की मदद करिए। लेकिन अब सुन लीजिए, अपराध की बात आती है, आपका बुलडोजर चलता, आपके एनकाउंटर होते हैं, ब्राह्मण के ऊपर होते हैं, मुसलमान के ऊपर होते हैं, यादव के ऊपर होते हैं। मुझे बता दीजिए कितने क्षत्रिय बदमाश मारे गए इन 7 सालों में उत्तर प्रदेश के अंदर एनकाउंटर में, और कितने क्षत्रिय बदमाशों के बुलडोजर चला है? बड़ी लंबी लंबी चौड़ी लिस्ट है पूर्वांचल के माफियाओं की, बता दीजिए एक नाम बता दीजिए। एक माफिया का मुझे नाम बता दीजिए पूर्वांचल के,
जिसने गोलियां बरसाई और बम फेंके हों। तो माफिया ऐसा ही है? अरे बताओ ना मुझे। नहीं, विजय मिश्रा माफिया है। क्या उसने वो समाजवादी पार्टी से है? अरे लेकिन बाकी माफिया नहीं है आपकी नजर में। मैं ये कह रहा हूँ, ऐसा कोई माफिया का नाम मुझे पूर्वांचल से बताइए जिसने अंधाधुंध गोलियां चलाई हों, अंधाधुंध बम। गोली चलना जरूरी है? अरे आप कह रहे हो, आप बताओ, आप ये बताओ, गोली नहीं चलाई तो माफिया ही नहीं है? सुन लीजिए, हटा दीजिए सारे मुकदमे, खत्म करा दीजिए, बोलिए योगी जी को कि उनके मुकदमे वापस ले लीजिए, बात ही खत्म हो जाएगी। मैं बता दे रहा हूँ आपको, यदि हम पूर्वांचल की बात करेंगे, वहां की बात करेंगे, मैं तो आप ही के क्षेत्र। और सुन लीजिए, सुन लीजिए ना, जिनकी आप कांग्रेस के आपकी पार्टी में विराजमान है आपकी। अरे सुन लीजिए, नवीन जी, आप सुनना तो आप जिस क्षेत्र से आते हैं, उस क्षेत्र में बलराम सिंह यादव और मुलायम सिंह यादव के बीच घंटों गोलियां चली, किस बात को लेकर चली बता दीजिए मुझे। निजी लड़ाई थी, सांप्रदायिक लड़ाई नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, जहाँ घंटों गोलियां चली और माफिया नहीं बनेगा। यदि आप किसी विशेष समुदाय को टारगेट करके, अब अतीक अहमद की अंसारी की आप बात करेंगे, क्या किया उन्होंने उनके साथ, लोगों के साथ? अपने लोगों को नहीं बख्शा, उनमें ये नहीं कह रहे हिंदुओं को उन्होंने टारगेट किया। उन्होंने दो बदमाशों ने की, उससे ज्यादा निंदनीय काम कुछ उत्तर प्रदेश की सरकार में हो नहीं सकता। तो क्यों रो रहे हैं? इतनी नाकाम और निकम्मी पुलिस थी उत्तर प्रदेश की, क्या हिरासत में सरेआम मर्डर हो गया और अपराधियों को जिंदा पकड़ लिया, किसी के खरोच भी नहीं। इसका मतलब तो भीड़ बीच में जाकर के कोई अपराधी गोली मार जाए, भीड़ भी निकम्मी है। नहीं, लोग भी जिस मोहल्ले में जाके घटना हो जाए, और नवीन जी उस मोहल्ले के लोग भी निकम्मे हैं। कानून और संविधान के कानून क्या होता है? अरे कानून है, अरे कमेटी बनी, कमेटी में कानून संविधान कहां चला गया? आप जाकर हमारे साथ सुनिए।